हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 कंप्यूटर। रेस्ट ऑफ योर चैप्टर द रशियन अबैकस। रशियन अबैकस हैज़ 10 बीट्स ऑन ईच वायर बट डज नॉट हैव अ डिवाइडर। बीट्स ऑन द टॉप वायर रिप्रेजेंट वंस, बीट्स ऑन द नेक्स्ट वायर टेंस, बीट्स ऑन द नेक्स्ट हंड्रेड्स एंड सो ऑन। ये देखिए आपका यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये रशियन आपका अबैकस है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं आपके, ये जो आपके इसके बीच में डिवाइडर टाइप का ये जो नहीं होता है बीच में, वो इसमें नहीं होता है आपका। इसमें बीट्स होती हैं, स्टार्टिंग रिप्रेजेंट करता है टॉप वायर वाला, वंस हंड्रेड, फिर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं वो। तो आपका इसी तरीके से इसमें होता है। आप जैसे कि आपका ये वायर्स हैं आपके, द पोजिशन ऑफ बीट्स शोन इन द पिक्चर रिप्रजेंट द नंबर्स 2, 9, 5, 6 ऑन द रशियन अबैकस। इसमें आपको जैसे दिखाना है पोजिशन ऑफ नंबर की, तो कैसे करेंगे, तो आपको ये देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है। एक रॉड है, रॉड में ये बीट्स बने हुए हैं। तो एक बीट में आपके यहाँ पर 10 होती हैं, हर में 10 होती हैं आपकी। तो वंस जो सबसे ऊपर वाली है वो आपकी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स टेन लाख, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। अब आपको एडिशन, अब आपको नंबर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। अब 10 है, वंस प्लेस है, तो 6 आपने कर दिया तो ये 6 आ गया वंस प्लेस में, 5 आ गया टेंस प्लेस में, 100 प्लेस में 9 आ गया एंड 1000 प्लेस में 2 आ गया। तो आपका नंबर क्या हो गया, 2956। नंबर क्या हो गया, 2956। अब ऐसे ही आपका ये देखिए चाइनीज़ अबैकस है। चाइनीज़ अबैकस में आपके बीच में क्रॉस बार होता है, बीच में क्रॉस बार होता है। यहाँ पर एक अर्थ होता है और एक ये हेवन, ये आपका पार्ट आपका हेवन अर्थ कहलाता है और इधर का पार्ट आपका हेवन कहलाता है। तो जो हेवन पार्ट्स होता है इसमें टू आपके बीट्स होते हैं और यहाँ पर 5 बीट्स होते हैं सम सारे में। तो जो ये यहाँ पर हेवन पार्ट्स में 1 बीट्स का मतलब 5 होता है, 5 5, और यहाँ पर ये जो बीट्स होते हैं ये 1 1 होते हैं। अब आपको जैसे काउंट करना है 6 लाना है, तो एक बीट्स यहाँ से लेंगे 5 और 1 यहाँ से लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है, ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स आगे ऐसे बढ़ता चला जाता है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2956 रिप्रेजेंट करना है, तो वंस प्लेस में 29 यानी 2956, 6 वंस प्लेस में 6 आएगा तो 5 एक डिजिट यहाँ से लाएंगे हेवन से और एक यहाँ से अर्थ से, तो ये 6 हो गया। फिर अब 5 टेंस है तो एक डिजिट हेवन से लाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 900 लाना है तो एक डिजिट हेवन से लाएंगे और 4 यहाँ से लाएंगे तो 4 और 5 9 हो गया। अब 2000 है तो 2 यहाँ से सिर्फ पुट करेंगे तो नंबर क्या हो गया, 2956। क्लियर। ये आपका जैपनीज़ अबैकस। अब जैपनीज़ अबैकस भी आपका उसी तरीके से होता है जिसमें 1 बीट्स में हेवन और 4 आपके अर्थ में होता है, सेम वैल्यू आपकी होती है। और अबैकस इज़ यूज फॉर डूइंग एडिशन। अबैकस जो अबैकस है वो किस लिए यूज़ होता है, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। वी एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर यूजिंग द चाइनीज़ अबैकस। चाइनीज़ अबैकस से हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब यूजिंग अबैकस टू ऐड टू नंबर्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। अब जैसे ये एडिंग 342 एंड 253, ये दो नंबर को हमको ऐड करना है। तो वंस प्लेस में आपका 2 है तो 2 डिजिट यहाँ पर, ये आपका आपके ये आपके 5 बीट्स प्रेजेंट करता है, 5 5 10, और ये 1 1 प्रेजेंट करता है। यहाँ 5 होते हैं और यहाँ पर ये 5 5 10 होते हैं। इधर का पार्ट आपका अर्थ होता है और ये हेवन होता है। तो आपको यहाँ से 2 लाना है, सबसे पहले वंस प्लेस में 2 लाएंगे, 4 4 आपने यहाँ बीट्स किए, 3 आपने 3 बीट्स किए। अब आपको यहाँ पर क्या ऐड और करना है, 342 और ऐड करना है, तो 2 342 हो गया। अब आपका क्या ऐड करना है, 253 ऐड करना है, तो 3 और हमने यहाँ पर लाए और 5 लाना है, तो 5 हमने यहाँ से ले लिया टेंस प्लेस में, 100 प्लेस में 2 है तो 100 प्लेस में 2 और लाए, तो ये सब मिलकर कितना हो गया आपका, ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी वंस प्लेस में 11 है, 5 आ रहा है, टेंस प्लेस में 4 और 5 9 आ रहा है एंड 100 प्लेस में 1 2 3 4 5।
तो आंसर कितना हो गया 595। आंसर क्या, देखो ऐड करने के बाद आंसर क्या आया 595। ऐसे आपको यहाँ एडिशन करना है, और ये देखिए आपका सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी आपको क्या करना है, पहले आपको जैसे सब्ट्रैक्ट करना है 52 को 589 से, तो आप पहले 589 यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो 589, तो 100 प्लेस में 5 है और 10 प्लेस में 8 है, 5 और 3 8 हो गया, और 1 प्लेस में 9, तो 549। अब इससे हमको 52 माइनस करना है, यानी कि 1 और 10, तो 1 प्लेस से 2 आपको हटा देना है, ये 2 आप यहाँ से हटा देंगे, और 10 प्लेस में आप 5 हटा देंगे, तो 10 प्लेस में आपने 5 हटा दिए, ये वाला 5 आपने हटा दिया, तो अब आपका क्या बचा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 567, यानी 1 प्लेस में 7 आ रहा है, 10 प्लेस में 3 आ रहा है, एंड 1 प्लेस में 5 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 537। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया आपका, आंसर हो गया 537। ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, और ऐसे ही आपका ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आप एबेकस से कर सकते हैं। आप एज द नीड फॉर फास्ट एंड डिफरेंट कैलकुलेशन ग्रू विद टाइम, पीपल ट्राइड टू डेवलप अदर कैलकुलेटिंग डिवाइस, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। अब आपकी कुछ और डिवाइस टाइम जितना आगे टाइम बढ़ता और नई नई चीज़ें इन्वेंट होती चली आ रही हैं, तो आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, तो उसमें आपका सबसे पहला ये आ रहा है नेपियर बोन्स। ये आपका नेपियर बोन्स है। इन द 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। इसमें 11 रोड्स होती हैं, ये 11 रोड्स होती हैं आपकी, इसमें ईच हैविंग 4 फेस, इसमें हर एक में 4 फेस होते हैं। दीज वर यूज एज ए मल्टीप्लीकेशन टूल्स, इसको मल्टीप्लीकेशन टूल्स भी की तरीके यूज करते हैं। द रोड्स जो होती है वर कर्व्ड विद बोन्स एंड सो दे वर कॉल्ड द नेपियर बोन्स। और जो इसकी रोड होती है वो बोन्स से बनी होती है, बोन, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेपियर बोन्स। नेक्स्ट आपका पास्केलाइन। तो इन 1642 में एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, साइंटिस्ट का क्या नाम था, ब्लेज पास्कल, अब फ्रेंच मैथमेटिशियन थे आपका। इन्होंने इन्वेंट किया था आपका मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, इट हैज़ ए सीरीज ऑफ नंबर्ड व्हील एंड गियर, नंबर्स वर इंटर्ड बाय रोलिंग दीज व्हील्स। इसमें इस तरीके का ये ऐसा उन्होंने पास्कलाइन बनाया था, यहाँ पर उन्होंने रोटेट करना वाला था और उसको उसमें नंबर्स थे। दिस मशीन वॉज कॉल्ड अ पास्कल्स अर्थमेटिक मशीन, इस मशीन को हम पास्कल्स अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं या पास्कलाइन भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के काम आता है। अब यहाँ पर डिफरेंट इंजन है। इन 1821 चार्ल्स बेबेज, अब चार्ल्स बेबेज कौन है, ये तो आप जानते हैं, फादर्स ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड ए मशीन, इन्होंने एक मशीन का इन्वेंट किया था जिसका डिफरेंट इंजन कहते हैं, टू कैलकुलेट मैथमेटिशियन टेबल, इस कैलकुलेट करने के लिए ही देन डिजाइंड अ प्रोग्रामेबल मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1834 एंड कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन। इन्होंने जो इन्वेंट किया था उसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वॉज टू वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन विच मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर, देखिए यहाँ पर आ गया, चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ द कंप्यूटर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, के इनको कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया है डेवलपमेंट कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, इसीलिए इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। देखिए इन्होंने ये डिफरेंट इंजन इस तरीके से आविष्कार किया था इन्होंने फर्स्ट टाइम। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, इसकी एक्सरसाइजेज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग आपको सेंड किया था, तो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एबेकस वॉज इन्वेंटेड, एबेकस आएगा। नेपियर बोन्स कब डेवलप्ड हुआ था, 17th सेंचुरी में, और फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन इन्वेंट किया था, एंड ट्रू फॉल्स में आपके ट्रू फॉल्स और यहाँ पर मैचिंग में जोन नेपियंस आपके नेपियर बोन्स, पास्कलाइन नंबर्ड व्हील है, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन किया है, और बीट्स ऑन द टॉप वायर आपका वंस में आ गया।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड नंबर्स? तो वी नीड नंबर्स टू काउंट थिंग्स वी हैव, वी यूज नंबर्स इन स्कूल एंड वर्क। तो यह आपके क्वेश्चन आंसर है जो मैंने इसी बुक में कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इनको कंप्लीट कर आप लोगों को ये कंप्यूटर की नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग When was the abacus invented? तो it was invented about 5000 years ago. तो abacus was invented about 5000 years ago. ठीक है। Who is regarded as the father of the computer? तो Charles Babbage is regarded as father of the computers. Why were Napier bones called so? The roads were curved from bones. And so they were called Napier bones. Which machine had wheels and gears? So how were numbers entered? So Pascaline has wheels and gears. So numbers were entered by rotating these wheels. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको कंप्यूटर की नोटबुक में नोट डाउन करना है नीट एंड क्लीन। एंड आपकी जो क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये आप लोगों ने ये ड्रॉ तो किया ही होगा, मैंने बोला था आप लोगों से रशियन एबेकस आपको ये ड्रॉ करने थे, तो इनको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।